गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, अवर चैप्टर 12 इज स्मार्ट चार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई भी एनिमल हो, कोई भी चीज़ हो, उसे बहुत सारे हो और वो सॉल्व करने के लिए हम टेलीमार्क्स कैसे यूज़ करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग हैंड्स। इन द ईवीएस पीरियड द टीचर आस्क चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। देयर वेयर डिफरेंट आंसर्स। चिल्ड्रन नेम द वर्क इन विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट। द टीचर कलेक्टेड देयर आंसर एंड मेड अ टेबल। एक उनकी टीचर थी, उन्होंने पूछा कि आप घर में पेरेंट्स को हेल्प करते हो, तो सभी बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए और सब ने अपने जो जो काम में वो हेल्प करते वो लिख के दिया। टीचर ने सारे बच्चों से वो कलेक्ट किया और उसी से रिलेटेड उन्होंने एक टेबल बनाया जो यहाँ पे दिया है, हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, सो ये बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गोइंग टू द मार्केट, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, मेकिंग एंड सर्विंग फूड, क्लीनिंग द हाउस। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें थी। अब मार्केट कौन जाते हैं, तो 47 चिल्ड्रंस जाते हैं। यूटेंसिल्स कौन वॉश करता है, सो 15 बच्चे जो बर्तन धोते हैं। क्लोथ्स कौन वॉश करता है, तो 3 ऐसे बच्चे जो क्लोथ्स वॉश करते हैं। मेकिंग एंड सर्विंग फूड ऐसे 25 बच्चे हैं एंड क्लीनिंग द हाउस वैसे 10 बच्चे हैं। तो टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, अभी टोटल अगर हम इसकी करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 100। ओके, इन सब के एडिशन करने के बाद आंसर आएगा 100। ओके, नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल। ओके, यहाँ पे एक चपाती चार्ट दिया हुआ है, वहाँ पे हमें वो फिल करना है। लुक एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन हु हेल्प मेकिंग एंड सर्विंग फूड आर। ओके, देखो पहले उन्होंने एक दे दिया है कि क्लीनिंग द हाउस 10 बच्चे करते हैं। देखो ये 10 बच्चे क्लीन हाउस करते हैं। ओके, मेकिंग एंड सर्विंग फूड कितना करते हैं, 25% बच्चे। अगर टोटल 100 बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन काम करता है, मार्केट जाने के काम सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, तो 47 जो सबसे हायर पार्ट है ये 47 सिर्फ यहाँ पे लिख दो कि गोइंग टू मार्केट। ओके, फिर सेकेंड है, ये सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है सेकेंड पार्ट, फिर 25 बच्चे मेकिंग एंड सर्विंग फूड। सो यहाँ पे लिखो मेकिंग एंड सर्विंग फूड। अभी ये दो ऑप्शन बचे, ये भी बड़ा है और ये स्मॉल है। स्मॉल जो है उसमें कौन क्या करता है, वॉशिंग क्लोथ्स। सो राइट डाउन योर वॉशिंग क्लोथ्स एंड 15 नंबर है वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे लिखो वॉशिंग यूटेंसिल्स। हम सबके एडिशन करेंगे तो सबका आंसर आएगा टोटल 100। ओके, नाउ आपको ये यहाँ पे ऐसे डिनोट करना है, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं पर आपको यहाँ पे ऐसे गोइंग टू मार्केट, क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लोथ्स, ओके, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ओके, मेकिंग एंड सर्विंग फूड, ये यहाँ पे भी डिनोट करना है। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल। आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू मोस्ट आफ्टर स्कूल। आपको 10 ऐसे बच्चों को पूछना है कि वो स्कूल के बाद क्या क्या करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स। हम इसमें लिख सकते हैं गार्डनिंग, कोई लिख सकता है साइकिलिंग, कोई लिख सकता है ड्राइंग, कोई लिख सकता है सिंगिंग, कोई लिख सकता है पेंटिंग। आपके जो ये आंसर है सबके अलग अलग रहेंगे, आप आपके हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने तो ये 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, गार्डनिंग, साइकिलिंग एंड ड्राइंग। तो टीवी कितने बच्चे देखते हैं, 8 बच्चे देखते हैं। फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, तो 6 खेलते हैं। स्टोरी बुक्स 3 बच्चे, गार्डनिंग 4 बच्चे करते हैं, साइकिलिंग नो, ड्राइंग नो। ये आपके हिसाब से आपको लिखना है, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने लिखा है, हर एक स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट होगा। ओके, इस तरह से आपको अपने हिसाब से ये चार्ट फिल करना है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज ऐड। ओके, एड मैड, रागिनी लव्स टू वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविजन। वन डे शी थॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स। शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वेयर 14 एडवर्टाइजमेंट्स। इन 10 ऑफ दोज एड देयर वेयर चिल्ड्रन एज एक्टर्स। रागिनी एक दिन ना कार्टून देख रही थी टीवी पे, उसने एक दिन सोचा कि मैं जब कार्टून चलती है तो बीच में ऐड आती है ब्रेक के टाइम पे, तो हम मैं काउंटिंग करूँगी। तो उसने काउंटिंग किया तो हो गई टोटल 14 एडवर्टाइजमेंट। उसमें से 10 ऐसी ऐड थी जिसमें चिल्ड्रंस प्ले कर रहे थे एक्टर का रोल। ओके, सो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन यूज टू सो मेनी एड्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि चिल्ड्रंस एड में ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि बच्चों को चिल्ड्रंस बहुत पसंद रहते हैं और वो
वो जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं वो ज़्यादातर सेल हो जाए, इसकी वजह से ऐड में चिल्ड्रंस को यूज़ किया जाता है। यूज़ टैली मास्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन द प्रोग्राम। अब देखो इसमें 14 एडवर्टाइजमेंट्स बोली है, एक ब्रेक में 14 एडवर्टाइजमेंट्स आती है, तो देखो मैंने उस दिन भी काउंटिंग सिखाई थी आपको, 1 2 3 4 5, दिस इज़ 5, ओके प्लस 5 और ये 4, 1 2 3 4, दैट इज 14। इस तरह से हम ये टेलीमार्क्स दिखा सकते हैं। ओके वेयर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम, यस न्यूज़ प्रोग्राम के टाइम पे भी एड्स होती है। ओके यहाँ पे आपको एक ट्राई योर सेल्फ एक बनाने के लिए बोला है टेलीमार्क, आपको वो खुद होके करना है। वो क्या है कि जब भी कोई आपका फेवरेट प्रोग्राम रहेगा तो उसमें से आपको एडवर्टाइजमेंट काउंटिंग करनी है और जितनी हो उसके लिए हमें टेलीमार्क बनाना है, और हर पुट डॉट बिलो द टेलीमार्क फाइंड द चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट, और जहाँ पे बच्चे एडवर्टाइज करते हैं वहाँ पे आपको डॉट करना है, और आपने और आपका फ्रेंड का वो जो टेलीमार्क है वो आपको चेक करना है। ओके नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, हॉट एंड कोल्ड, हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन न्यूज़पेपर। आपने कभी जब आप टीवी और न्यूज़पेपर देखते हो तो आपने देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडे, बहुत ज़्यादा गर्मी, हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दिखाया जाता है। दीज आर टू बार चार्ट्स, ये देखो इसे कहा जाता है बार चार्ट्स। ये जो पीछे हमने दिखाया था ये टेलीमार्क्स का टेबल था, ये जो था ये चपाती चार्ट बोला जाता है या इसे पाई चार्ट भी बोला जाता है, एंड दिस इज अ बार चार्ट। ओके दिस शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 सिटीज ऑन टू डिफरेंट डेज। यहाँ पे देखो हाईएस्ट टेम्परेचर दिया हुआ है 4 सिटी का, पर डेट्स अलग है। यहाँ पे 1 जून दी हुई है और यहाँ पे 1 दिसंबर दी हुई है, और वो सिटीज कौन कौन सी है, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। 1 जून में इन चारों का टेम्परेचर क्या था और 1 दिसंबर को इन चारों का टेम्परेचर क्या था वो हमें दिया है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। अभी 1 जून को सबसे हॉट सिटी कौन सी थी, अभी देखो सबसे हॉट यही है इसका, क्योंकि 33 है, 22, 28 और 38, तो 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है, सो जैसलमेर का है। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर, अभी 1 दिसंबर को सबसे कम टेम्परेचर किसका था, तो वो तो बार चार्ट से ही पता चल रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस शिमला का ही था। विच सिटी शोज द लिटल चेंज टेम्परेचर ऑन 2 डेज, 1 जून एंड 1 दिसंबर। अब इसके लिए हमें उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 33, यहाँ पे है 23, ओके दिल्ली के लिए, तो 33 माइनस 23, दैट इज 10, ओके फिर शिमला का है 22 माइनस 10, दैट इज 12, अब बैंगलोर का है 28 माइनस 24, दैट इज 4, एंड जैसलमेर का है 38 माइनस 25, दैट इज 13। तो आप ये डिफरेंस से आपको पता चलता है कि 4 डिग्री सेल्सियस सबसे लिटिल बिट डिफरेंस है, और वो किसका है, बैंगलोर का है, 28 डिग्री माइनस 24, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैंगलोर। ओके ट्राई योर सेल्फ ऑन एनी डे, चूज एनी 3 सिटीज एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। कोई भी 3 सिटी आपको चूज करनी है और उसका जो टेम्परेचर है टीवी और न्यूज़पेपर से आपको कलेक्ट करना है, और उसके लिए आपको एक बार चार्ट आपके नोटबुक पे बनाना है। ओके और उसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन आपके आपको फ्रेंड्स को पूछने हैं, तो आपको जो ये बार चार्ट बनाना है वो आपको आपके नोटबुक में करना है, दैट इज योर होमवर्क। ओके अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।